representing some lines. आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए, जो एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको पढ़ना चाहिए वो है आपके राइट्स, योर राइट टू स्टडी, योर राइट टू गेट सक्सेस, पैसा कमाना, माँ बाप को अर्ली रिटायरमेंट दिलाना, नाम कमाना, दूसरों से आगे बढ़ना, ये सब आपके अधिकार है जो आपको कोई नहीं बताता। क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों अपने अधिकार से दूर हो रहे हो? उस जिंदगी से बेहतर, अपनी जिंदगी को उस जिंदगी से बेहतर बनाओ जो आपके माँ बाप ने आपके लिए मजबूरी में जी है। क्या है आपका अधिकार नहीं है कि अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी दिलाओ, एक अच्छा इंसान बनो? क्या आपका अधिकार नहीं है कि अपने आप को खुद की नजरों में प्रूव करो और ये साबित करो कि आप जो आज हैं उससे भी कुछ अच्छा बन सके, अपने आप का एक बेटर वर्जन तैयार कर सके? क्या है आपके अधिकार नहीं है? क्या आप नहीं चाहते आपके पास भी एक गाड़ी हो, बंगला हो, शोहरत हो और आपका नाम हो? क्या आप अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनना चाहते? Yes or no? Yes or no? Anyone? Again, please. Yes. Yes. No response. Yes. Yes. From above class, please. I'm asking question from you. 11, 12, and 10th. आप फिर स्टडी क्यों नहीं करते? प्लीज आंसर। क्योंकि पढ़ाई शिक्षा ही ऐसा जरिया है जो आप उसके योग्य बनाता। दैट्स माय टॉपिक। फाइंड आउट वन रीजन, ओनली रीजन टू स्टडी। आप एक रीजन ढूंढिए जिसके कारण आपको पढ़ना चाहिए। आज आपकी बात कोई नहीं मानता। स्टडी एंड हार्ड एंड प्रूव योरसेल्फ। अगर आज आपकी बात कोई नहीं सुनना चाहता तो स्टडी हार्ड एंड बिकम पावरफुल। अगर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, स्टडी हार्ड एंड बिकम ए पिलर सो अदर कैन टेक योर स्पॉट टू स्टैंड। बी ए लीडर एंड द लीडरशिप कम फ्रॉम नॉलेज। And knowledge come from, you know, anyone know? Anyone want to give answer my question? सभी को पता है। उन किताबों से जो आपके घर में, आपके पास, आपकी अलमारी में धूल खा रही है, क्यों नहीं पढ़ते उन किताबों को? क्या कोई बता सकता है? कोई नहीं बताया। जब सर्दियों की छुट्टी होती है हमें बहुत सारा काम मिलता है ना? यस और नो? जब वो पूरा हो जाता है तो एक खुशी होती है। तो वही खुशी आपको पढ़ने में भी मिलनी चाहिए। आज घर जाकर अपना चेहरा शीशे में देखना, क्या दिखता आपको शीशे में? एक लूजर या एक विनर या फिर एक वो जिद्दी जो पढ़ना चाहता है? जो आपको आज शीशे में दिखेगा वही आप कल बन जाओगे। ये एक वरदान है हमारा भगवान का जो हमें इंसान को मिला है। ये साइकोलॉजी का और एक ह्यूमन नेचर का इफेक्ट भी है। आज हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप नहीं पढ़ सकते तो आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप सोचेंगे कि मैं कर सकता हूँ तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ पा सकते हो। अगर आज आप सोचते हैं कि मैं नींद से नहीं जग सकता तो आप नहीं जग सकते सुबह। अगर आप एक बार एक रीजन को ढूंढ लेते हैं जिसके कारण आपको पढ़ना चाहिए
तो रीजन आपके लिए सफिशियंट होगा आपको नींद से जगाने के लिए, आपको सुबह जल्दी उठाकर पढ़ाने के लिए। दिस इज पावर ऑफ सेल्फ बिलीव, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज लॉ ऑफ नेचर, एज यू थिंक एज यू डू। वो एक रीजन जो आपको पढ़ाने के लिए काफी है, पढ़ाने के लिए काफी है, एंड दैट इज राइट टू अचीव योर ड्रीम, आपके सपने को पाने का अधिकार जो आपके अलावा कोई नहीं पा सकता। हमेशा अपने आप से बोलो कि आप कर सकते हो। जो आपकी सिचुएशन आज है वह हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली, वो एक दिन जरूर बदलेगी। एक दिन आपका भी नाम अनाउंस होगा एज ए स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर, यूपीएससी टॉपर, एज यू थिंक सो ऑन। कितना प्राउड होगा उस मोमेंट पर जब आपका ड्रीम जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा। आप सक्सेसफुल होने पर जितना खुश होगे ना, आपके सक्सेस होने पर जो खुशी होगी ना वो यूनिक होगी। आप एक अलग दुनिया देख पाओगे जब आप रात को देर तक पढ़ते हो, जब आपको लगता है कि आप अब मुझे सो जाना चाहिए, तब याद करो जो आज आपने पढ़ना था क्या वो पूरा हो गया, जो आपने अपना काम करना था वो पूरा हो गया या नहीं। रूल फॉर सक्सेस आर वेरी सिंपल, हर कोई जानता है, जानते हो ना? यस और नो? अगेन प्लीज, हर कोई जानता है, सिंपल है बट इजी नहीं। लोग कहते हैं सिंपल है पर इजी नहीं। उन लोगों की कैटेगरी से बाहर निकलो, उन लोगों से दूरी बनाओ, उन जैसा सोचना बंद कर दो। जब कंपटीशन का लेवल हाई हो जाए तो आपको भी अपडेट होने की जरूरत है। Think about your reason and study hard. Thank you.